नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के करीबी भाजपा के कद्दावर नेता अशोक तिवारी को भदोही के सांसद बीरेंद्र सिंह के द्वारा थप्पड़ मारने और अपने समर्थकों के साथ पिटवाने की खबर वायरल होते ही भाजपा खेमे में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर खबर प्रसारित होते ही इस बात की चर्चा तेज हो गई कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि भाजपा के इस कद्दावर नेता की ऐसी दुर्गति करने की हिम्मत सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त की कैसे हो गई। इन तमाम सवालों पर क्लाउन टाइम्स ने भदोही के सांसद बीरेंद्र सिंह, विधायक रविंद्र तिवारी, अशोक तिवारी और अशोक चौरसिया से की सीधी बात। देखिए क्या है पूरा मामला। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, क्या मामला है, भदोही में क्या हो गया था? क्या हो गया भैया? खबर आई है हमारे पास, हमारे महामंत्री अशोक चौरसिया जी से यही अपनी पूरी बात बताएंगे। अच्छा, क्या समाचार आया है? खबर ये आई है, जब भदोही के सांसद ने जड़ा वरिष्ठ नेता को तानाशाही थप्पड़। पूरी बात मैं बता दूं क्या हुआ था। हम लोग भदोही का कार्यक्रम का जिम्मेदारी दिया गया था, दूसरे दिन हम लोग बैठे थे, हम तो अशोक चौरसिया जी जिला अध्यक्ष थे, दीनानाथ भास्कर थे, रविन्द्र त्रिपाठी थे, हम लोग अपना कार्यक्रम के निमित्त बातचीत कर रहे थे, सांसद जी आए। पूरी बात लीजिए, अशोक जी बता देंगे। क्या था पूरा मामला? मामला उसमें ये था कि हम लोग अपना व्यवस्था मंच की सारी अपना देख रहे थे, उसी में अशोक तिवारी जी ने मंच वाले को बोला भाई पोडियम ठीक जगह पे नहीं, इसको थोड़ा व्यवस्थित करो। इसी की जो है माननीय सांसद जी, अब उनके मन में पहले से जो भी भाव रहा हो, जो भी चीज रहा हो, वो शब्दों का इस्तेमाल करते हुए और दौड़े, मतलब जो अशोक तिवारी जी के मारने उम्मीदवार, तो बीच में भदोही के विधायक हैं रविंद्र तिवारी जी, हम थे, हम दो तीन जो मिल गए, जहाँ तक पकड़ा गया रोका गया। काफी देर तक जो है वो अब शब्दों का इस्तेमाल करते रहे और ये वो कि तुम लोग कौन हो, तुम कौन हो, क्यों आए हो, हमारा लोकसभा क्षेत्र है। भाई बदोले भाई, हम तो संगठन के आदमी हैं और संगठन ने हमको लगाया, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो आप लोगों को किसके निर्देश पर लगाया गया था भदोही में? निर्देश का अपने से क्षेत्र का कार्यक्रम था ना, बनारस आसपास के जो 15 जिले हैं तो काफी क्षेत्र मिलते हैं। वो जो बैठक थी वो काशी क्षेत्रीय बैठक थी, सांसद जी की बैठक होती तो हम लोग कोई मतलब नहीं। बैठक था असल में काशी क्षेत्र अपने 15 जिले के सभी सांसद, सभी विधायक और सभी जिलाध्यक्ष और हम लोग पदाधिकारी जो है, हाँ, तो ये सभी लोग जो है, तो उनका मतलब जो भी रहा हो कि इन्हीं को जो है शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। अच्छा, इन्हीं को टारगेट किया, आपको टारगेट नहीं किए? नहीं, हमसे हमको वो समान से बैठा कर इनको क्यों टारगेट किए? अब ये तो वही जानते हैं, लेकिन इन्होंने ये भी पीछे हटे नहीं, अशोक तिवारी जी ने पूरा ठीक से जवाब दिया। हमने भी समझाया कि विषय कहीं कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कहीं भाई भ्रम है तो वो बातचीत से करना चाहिए ना, कि अब शब्दों का इस्तेमाल करके मारने के लिए दौड़ाना, ये सब तो आपको ही कार्य हो जाता है ना। आपकी एक बाइट करनी हो तो कैसे हो पाएगी आपके अशोक तिवारी जी की? भाई हमारे क्षेत्र के महामंत्री हैं, मेरे गवाह हैं। जो घटना आपके साथ हुई है तो इस घटना पर आप बताएंगे ना, इस पे कोई FIR आपने किया कि नहीं किया? ये अपराध हुआ है आपके साथ, वो सांसद हो या कोई हो, मार भी उनको रोका करेगा, ऐसी बात कर रहे हैं। संगठन को जितना सूचना देना था हम लोग दे दिए। सांसद के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की मांग नहीं करते हैं आप? हमारे जो संगठन महामंत्री, हम लोग उनके अंडर में काम करते हैं, माननीय रत्नाकर जी। तो रत्नाकर जी क्या कहे, कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? हम कर नहीं रहे, संगठन अपना जो भी करेगा। हेलो, सांसद जी बोल रहे हैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ, नमस्कार। बीरेंद्र सिंह मत जी बोल रहे हैं? जी नमस्कार, मैं क्लाउन टाइम्स प्रेस वाराणसी से चीफ एडिटर अशोक मिश्रा बोल रहा था। ये जो अशोक तिवारी का मामला है, जो खबर आई है, इसमें क्या मामला था कि उनको आपने गाली गलौज दिया, दौड़ा के मारा है? गाली गलौज देने वाला मैं नहीं हूँ, वो वहाँ क्षेत्र में गए थे, वहाँ के अधिकारियों को लाख डाक टपट करके कार्यक्रम का, तो सब कार्यक्रम बदतमीजी से, सब अधिकारियों को, डीएम को, एसपी को, SPD, PDWD को, सब कार्यकर्ताओं को बेहाल किए। और आपको किसने बताया गाली गलौज दिया? मैं, ये अशोक तिवारी खुद बोले और प्लस उसका अशोक चौरसिया जो हैं, ये दोनों हाँ। लोगों ने अभी हमसे बताया है कि हमको तो बड़ी इज्जत दिए, अशोक चौरसिया ने बताया, लेकिन इनको हाँ। देखते ही नेताजी तो मापे से बाहर हो गए, इनको गाली गलौज दिए, दौड़ा लिए मारने के लिए, तो ये अशोक चौरसिया का कहना है। आप चाहते क्या हैं हमसे? आपकी सही बात ये जरूर दिखे कि अमित शाह के मंच पे कभी दिखते हैं, कभी मोदी जी के मंच पे दिखते हैं। देखिए, मंच पर कभी जाना, मंच पर जुगाड़ लगा लेना, मंच पर बैठ जाना राजनीति का हिस्सा नहीं होता है, इसे आज के दिन के लोग बहुत करते। आप बताइए कि मेरा कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र हो चाहे न हो, किसी अफसरों को
आईएएस अफसरों आईपीएस अफसरों को बदतमीजी से बात करना और उसको ये लगना कि हम ही जो कर रहे हैं कैसे करेंगे, तो वहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि जो लोग हैं विधायक हो चाहे सांसद हो चाहे संगठन में काम करने उन अधिकारियों को भी इज्जत करेंगे तो यही ना समझेगा कि ये लोग कुछ नहीं है, ये फालतू है। आप यहाँ किस हैसियत से बात कर रहे हैं, क्या है आप, हम जानते भी नहीं था कि कौन है। सही बात यह है कि मैं नहीं जानता था ये कौन, और मैंने कहा कि आप यहाँ से जाइए। अभी पता चला कि ये कौन है, भाजपा में है क्या? हमको अभी तक नहीं मालूम है, बाद में लोगों ने कहा कि ये भाजपा में क्षेत्रीय समिति का है, क्या है क्या है, कुछ भी हो, कोई क्षेत्रीय समिति का हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता है, आप जान लीजिए कि किसी को किसी से अव्यवहारिक तौर पर बात करना मेरे स्वभाव में बर्दाश्त करने का नहीं। अब हमारा डीएम कमिश्नर सीएम जो है बदतमीज किसी पुलिस विभाग वाले को, तीन दिन से मैं उसी दिन आया देखा, मैंने हलकान किए, मैंने कहा आप यहाँ से सीधे चले जाइए और यहाँ दिखना नहीं चाहिए। और दूसरी बात है कि ऐसे लोगों को जो अपने दिमाग में अगर कुछ भ्रम रखते हैं तो जिस बात को आप कह रहे हैं उनकी दवाई भी करना मैं जानता हूँ, इतना चुपचाप नहीं हूँ। किसके मंच पर बैठते हैं क्या बैठते हैं हम तो जानते भी नहीं थे कि कौन है, मैं देखा दुर्व्यवहार करना अधिकारियों से तो मैंने उसके गाड़ी है। खबरें जो हम लोग के पास आई जिसमें सांसद जी ने उनको दौड़ा के पीटा, विधायक जी रविंदर जी ने उनको बचाया, ये सारी खबरें आई थी। सब उसी सब के पात्र हैं लोग और कोई ऐसा कुछ नहीं है, और ये लोग बहुत गंभीरता से विषय लेने के लिए। हेलो जी, मैं वाराणसी क्लाउन टाइम्स प्रेस से चीफ एडिटर अशोक मिश्रा बोल रहा था। जी भाई साहब, जी नमस्कार। एक आपसे एक खबर के बारे में बात करनी थी। माननीय सांसद जी बीरेंद्र सिंह मस्त जी हैं जिन्होंने अशोक तिवारी जो भाजपा के नेता हैं बनारस के, इनको दौड़ा दौड़ा के पीटा मारा गाली दिया, इस खबर में कितनी सच्चाई है? वो तो ये जानकारी नहीं, दौड़ा दौड़ा करके पीटा मारा ऐसा ऐसी बात नहीं। जान उसकी उनकी आप ही ने बचाई। माननीय सांसद जी से मेरी बात हुई तो सांसद जी ने इस बात को कहा, ये अशोक तिवारी कौन है मैं नहीं जानता, न भाजपा में किस पद पे भी नहीं जानता था, बल्कि हमारे अधिकारियों को ये उल्टा सीधा बोल रहे थे जो मुझे बड़ा नागवार लगा, इसलिए मैंने इनको डांटा उठा। तो ये सांसद जी जो बोल रहे हैं ये झूठ है। अशोक तिवारी कोई ऐसे चेहरे नहीं है, अशोक तिवारी बहुत बड़ा चेहरा है और वह संगठन के काशी प्रांत के मंत्री और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय सांसद जी अब वो जानते थे कि नहीं जानते थे ये भाई उनका विषय है। जो खबरें मीडिया में आ रही हैं उसमें आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि इनको बचाया, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये तो 100% सच्चाई है। क्या हुआ था पूरा घटना? आप देखिए ये सब फोन पे बात नहीं होगी भाई साहब। नहीं, बचाया था आपने ना? हमने बचाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो चार थप्पड़ इनको लगा कि ज्यादा लगा था? नहीं नहीं, अब ये सब बात नहीं। बचाया आपने, क्या बचाया, जैसे मतलब बीच बचाव किया? बचाया जो बचाना चाहिए बचाया। भाजपा एक कैडर की पार्टी मानी जाती जहां अनुशासन ही यहां का सर्वोच्च प्राथमिकता है, उस अनुशासन की प्राथमिकता को किसने तोड़ा, अशोक तिवारी ने या फिर माननीय सांसद जी ने? ये हम सबका सम्मान करते हैं और हम नहीं, हम कभी नहीं चाहते हैं कभी कोई भी व्यक्ति हो, 22 करोड़ लोग हैं, हम उनका सम्मान करना हमारा परम नैतिक दायित्व कर्तव्य बनता है। हम उत्तर प्रदेश के सदस्य विधानसभा के सदस्य हैं तो कहीं भी ये बात नहीं होनी चाहिए। हर लोगों का सम्मान, तो हम जितना बनवासी भाई का सम्मान करते हैं उतना। तो ऐसा अशोक तिवारी ने क्या किया जो उनको नागवार गुजरा? आपके सामने घटना हुई क्या? तो एक दिन पहले भी कुछ बात हुई थी, तो उसके बाद भी दूसरे दिन ये बात हुई। अब हमारी तो विधानसभा थी, हम अपना अब माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, हम अपने कार्यक्रम में लगे हुए थे, कहीं कोई कमी न होने पाए। क्लाउन टाइम्स की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।